स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 वर्सेस डायमेंसिटी 9000, इन दोनों में से कौन सा प्रोसेसर बेटर है, कौन सा प्रोसेसर ज़्यादा पावरफुल है, यार कैसे पता चलेगा, बहुत कन्फ्यूज़न है। एक काम करते हैं ना, चलिए बाबा जी से पूछते हैं। बाबा जी डायमेंसिटी 9000 वर्सेस स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 में ज़्यादा पावरफुल कौन सा प्रोसेसर है? अरे बच्चा, ये दोनों प्रोसेसर तो पावरफुल लग रहे हैं। स्नैपड्रैगन ने भी हमको पैसा दिया है, डायमेंसिटी ने भी दिया है। आप एक काम करो, आप इसके भाई के चैनल पे जाओ, वहाँ उन्होंने सब बताया है, आप वहाँ से देख लो। आ गए आप लोग? तो गाइज यार, आज हम जानेंगे ना डायमेंसिटी 9000 वर्सेस स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के बारे में ऑल डिटेल्स, सब इस वीडियो में हम जान कर ही रहेंगे। तो चलिए विथाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो का स्टार्ट करते हैं, लेट्स बी कैन। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं सीपीयू डिटेल्स के बारे में। तो स्नैपड्रैगन के 8 कोर्स में से 1 कोर 3 GHz कॉर्टेक्स X2 पर बेस्ड है, वहीं इसका 3 कोर 2.5 GHz कॉर्टेक्स A710 पर बेस्ड है। वहीं गाइस इसका जो 4X यानी कि जो 4 कोर है वो 1.8 GHz कॉर्टेक्स A510 पर बेस्ड है। वहीं गाइस अगर बात की जाए मीडिया टेक डायमेंसिटी 9000 की, तो इसका 1 कोर 3.05 GHz कॉर्टेक्स X2 पर बेस्ड है, वहीं इसका जो 3 कोर है वो 2.85 GHz कॉर्टेक्स A710 पर बेस्ड है, एंड इसका जो 4 कोर है वो 1.8 GHz कॉर्टेक्स A510 पर बेस्ड है। गाइस स्नैपड्रैगन में 8 कोर्स हैं, 3000 MHz की फ्रिक्वेंसी, ARMv9A का इंस्ट्रक्शन सेट, एंड इसका जो प्रोसेसर है वो 4 नैनोमीटर का है। वहीं गाइस डायमेंसिटी का भी हमें 8 कोर्स मिल जाते हैं, 3000 MHz की फ्रिक्वेंसी है, सेम टू सेम वही चीजें हमें डायमेंसिटी के अंदर भी देखने को मिल जाती हैं। तो गाइस अब चलिए आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं जीपीयू डिटेल्स के बारे में। तो गाइस स्नैपड्रैगन में यूज हुआ जीपीयू एंड्रीनो 730, जिसका आर्किटेक्चर है एंड्रीनो 700, एंड इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कंफर्म नहीं है, वो हमको मालूम नहीं पड़ा। वहीं अगर मीडियाटेक की बात की जाए तो इसके में जो जीपीयू यूज हुआ है वो है माली का G710, आर्किटेक्चर है जिसमें वलहाल का आर्किटेक्चर, एंड जीपीयू फ्रीक्वेंसी है 850 MHz की फ्रीक्वेंसी। गाइस मेमोरी डिटेल्स की बात की जाए तो स्नैपड्रैगन में LPDDR5 का रैम है, 3200 MHz की फ्रिक्वेंसी है, एंड इसका जो मार्क्स साइज है वो है 24 GB। वहीं गाइस अगर बात की जाए मीडियाटेक की तो इसमें LPDDR5X रैम है, 3750 MHz की फ्रिक्वेंसी है, एंड इसका जो मार्क्स साइज है वो मे भी 24 GB है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं मल्टीमीडिया डिटेल्स के बारे में। तो स्नैपड्रैगन का जो स्टोरेज टाइप है वो है UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप। इसका जो मार्क्स डिस्प्ले रेजुलेशन है वो है 3840x2160। इसका जो मार्क्स कैमरा रेजुलेशन है वो है 1x200MP 2x64MP। इसका जो वीडियो कैप्चर है वो है 8K at 30fps, 4K at 120fps। इसका जो वीडियो प्लेबैक सपोर्ट है वो है 8K at 30fps, 4K at 120fps। इसका जो वीडियो कोडेक्स है वो है H.264, H.265, VP8, VP9। इसका जो ऑडियो कोडेक्स है वो है AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV। और अगर डायमेंसिटी 9000 की बात की जाए तो इसका भी स्टोरेज टाइप है 3.1, मार्क्स डिस्प्ले रेजुलेशन है 3160x1440। इसका जो कैमरा मार्क्स रेजुलेशन है वो है 1x320MP 3x32MP। वहीं इसका जो वीडियो कैप्चर सपोर्ट है वो है 8K at 30fps, 4K at 120fps। इसका जो वीडियो प्लेबैक सपोर्ट है वो है 8K at 60fps, 4K at 120fps। इसका जो वीडियो कोडेक्स है वो है H.264, H.265, AV1, VP9। वहीं गाइस इसका जो ऑडियो कोडेक्स है वो है AAC LC MP3 HEAC V1 HEAAC V2 FL AC। वहीं गाइस अगर बात की जाए कनेक्टिविटी डिटेल्स के बारे में, तो यहां पर 4G LTE के 2.4 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन में, 5G सपोर्ट, यस वाईफाई 6 का सपोर्ट, एंड ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। डायमेंसिटी की बात की जाए तो 4G सपोर्ट, LTE कैट 2.4, 5G सपोर्ट, यस एब्सोल्युटली, एंड वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड टू बेंचमार्क स्कोर की बात की जाए तो टोटल स्कोर जो है वो है स्नैपड्रैगन का 10 लाख
12,941, जिसमें से सीपीयू का है 228,047, जीपीयू का है 428,067, मेमोरी का है 175,864 एंड यूएक्स का है 171,611। डायमेंसिटी की बात की जाए तो इसका जो टोटल स्कोर है वो है 10,19,919, जिसमें से सीपीयू का है 256,987, जीपीयू का है 393,810, मेमोरी का स्कोर है 186,890, यूएक्स का स्कोर है 179,801। तो गाइस अब चलिए बात कर लेते हैं गीक बेंच स्कोर के बारे में। तो स्नैपड्रैगन का जो सिंगल कोर स्कोर है वो है 1,248, मल्टी कोर स्कोर है 3,852। वहीं डायमेंसिटी की बात की जाए तो सिंगल कोर स्कोर है 1,277, मल्टी कोर स्कोर है 4,334। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अब आप लोग खुद से अंदाजा लगा सकते हो, खुद से जान सकते हो, खुद से गेस कर सकते हो कि इन दोनों प्रोसेसर में से कौन सा प्रोसेसर बेटर है, कौन सा प्रोसेसर बेस्ट है। आपको किसी बाबा के पास किसी के वीडियो में जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद से मेरी वीडियो को देखकर जान सकते हो। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड गाइज मुझे भूल मत जाना, मुझे सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो एंड अपने भाइयों के पास भी शेयर कर दो।